हेलो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन फेमस वेब सीरीज मिस्टर रोबोट के सीजन 2 के ऊपर है। अगर आपने मिस्टर रोबोट के फर्स्ट सीजन का एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। इस सीरीज में रियल हैकिंग को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आपको हैकिंग पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इस वेब सीरीज को आप अमेजोन प्राइम पर भी देख सकते हैं, ये वहाँ पर हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मिस्टर रोबोट के पहले सीजन में हमने देखा था कि एलियट ने डार्क आर्मी के साथ मिलकर ई कॉर्प के सारे सर्वर्स को बर्बाद कर दिया है और हमें पता चलता है कि मिस्टर रोबोट और एलियट एक ही इंसान है। और हमें पता चलता है कि मिस्टर रोबोट और कोई नहीं एलियट के पिता थे, जो बहुत पहले ही मर चुके थे। उनके मरने के बाद में मिस्टर रोबोट एलियट के दिमाग में एक अलग पर्सनैलिटी बनकर आते हैं, जो एलियट को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से एलियट भी मिस्टर रोबोट को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो उसे कर नहीं पाता। और इसी बीच एलियट को ये भी पता चलता है कि डार्लिन उसकी सगी बहन है। पहले सीजन के एंडिंग में एलियट को पता नहीं होता कि उसने कब एफ सोसाइटी की फाइल जो ई कॉर्प के सर्वर्स पे थी एग्जीक्यूट की, क्योंकि उस टाइम पे वो फाइल एलियट एग्जीक्यूट नहीं करता, उसके जगह वो फाइल मिस्टर रोबोट एग्जीक्यूट करते हैं। अब सेकंड सीजन की स्टार्टिंग में हम लोग एलियट और टायरल को देखते हैं, जो डार्क आर्मी के साथ मिलकर ई कॉर्प के सर्वर CS30 पर fsociety.python फाइल को एग्जीक्यूट करता है। और हम देखते हैं वो फाइल ई कॉर्प की सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देती है। फिर एलियट को अपने बचपन का सपना आता है, जब वो पहले फ्लोर से गिर गया था। वो हॉस्पिटल में अपने आप को देखता है, जहां उसके माता पिता हॉस्पिटल के बिल्स को लेकर झगड़ा कर रहे थे। फिर हम एलियट को प्रेजेंट में देखते हैं, जहां वो अपनी माँ के साथ रह रहा है। वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। रोज सुबह 8 बजे वो अपने दोस्त लियोन के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जहां पर वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ लियोन बोलता रहता है। फिर वो अपने घर जाकर अपने घर के काम करता है। फिर दोपहर 2 बजे लियोन के साथ बास्केटबॉल गेम देखता है। फिर से वो घर जाकर साफ सफाई करता है और बाद में फिर से लियोन के साथ डिनर करता है। हफ्ते में 2 बार एलियट एक चर्च ग्रुप जाता है, जहां लोगों के साथ वो सोशलाइज हो सके। फिर घर आकर रात को पूरे दिन की स्टोरी एक डायरी में लिखता है, मानो वो एक प्रोग्राम की तरह जी रहा हो, जो हमेशा एक पैटर्न पर काम कर रहा है। एलियट की मॉम के पास ना ही कंप्यूटर है और ना ही इंटरनेट। एक दिन मिस्टर रोबोट फिर से एलियट के दिमाग में आता है और वो एलियट को फिर से उसी लाइफ में जाने को जोर देता है, जहां से वो लोग आए थे। एलियट मिस्टर रोबोट से पूछता है टायरल कहाँ है, पर मिस्टर रोबोट उसे बताने से मना कर देता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुजन जैकॉब है। वो ई कॉर्प में एक जनरल काउंसिल है और उसका घर एक स्मार्ट होम है, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है, घर की लाइट्स, टीवी, साउंड सिस्टम, टेलीफोन सब अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो बंद करने की बहुत कोशिश करती है, पर बंद नहीं कर पाती। उसके घर का टेम्परेचर कभी तो बहुत हाई हो जाता है और कभी बहुत लो। इसलिए वो परेशान होकर उस कंपनी में कॉल लगाती है, जहां से उसने ये स्मार्ट घर खरीदा था। वो कंपनी वाले उसे कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाइए, तब तक वो इस घर को ठीक कर देंगे। उसके जाने के बाद डार्लिन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचती है। दरअसल डार्लिन ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर सुजन के घर के सिस्टम को हैक किया था। फिर हम एलियट और गिडियन को देखते हैं, जहां गिडियन एलियट को उसका साथ देने को कहता है, क्योंकि FBI वाले अब गिडियन के पीछे हैं। इसलिए गिडियन उन्हें बोलता है कि तुम उन्हें सब कुछ सच बता दो, नहीं तो मैं उन्हें बता दूंगा। पर एलियट उसकी बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। फिर हम डार्लिन को देखते हैं, जिसने एक अपनी अच्छी खासी टीम बना दी है एफ सोसाइटी की, जिसमें वो लोग अभी भी ई कॉर्प के खिलाफ लड़ रहे हैं। दरअसल ई कॉर्प के डेटा सेंटर को हैक करने के बाद भी ई कॉर्प अभी भी चल रहा था, क्योंकि ई कॉर्प के पास अभी भी ऑफलाइन डेटा था, जिससे वो अभी भी काम कर रहा था। इसलिए डार्लिन ने एफ सोसाइटी नाम की एक टीम बनाई, जिससे वो उनको पूरी तरह से खत्म कर सके। डार्लिन सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट, जिसे सेट भी कहते हैं, इसका यूज करके क्रिप्टो वॉल रिकर्सिव अटैक फाइल बनाती है, जो एक तरह का रैंसमवेयर अटैक है, जिसमें विक्टिम के स्क्रीन पर पैसे और टाइम शो होते हैं। अगर विक्टिम पैसे टाइम पर नहीं देता तो उसकी सारी इंक्रिप्टेड फाइल को उसके पूरे सिस्टम के साथ क्रैश कर दिया जाएगा। फिर डार्लिन वो फाइल मोबली को देती है और वो ई कॉर्प के सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है, जिससे ई कॉर्प के सारे कंप्यूटर में रैंसमवेयर का मैसेज शो होता है। फिर हम स्कॉट, फिलिप और सुजन को देखते हैं, जहां सुजन बताती है उसे मेल आया है $5.9 million एक पार्क में डिलीवर करने को, पर स्कॉट नहीं मानता। वो कहता है हमारे टेक्नीशियन फाइल को डिक्रिप्ट करने पर काम कर रहे हैं और इसमें लगभग 5 दिनों का समय लग सकता है। सुजन बोलती है 5 दिनों तक अगर बैंकिंग सिस्टम डाउन रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और मेल में उन्होंने ई कॉर्प के चीफ ऑफिसर को पैसे लाने को कहा है। इसलिए स्कॉट मान जाता है और वो पैसे ले जाने को तैयार हो जाता है। स्कॉट के पार्क पर पहुंचने पर उसे एक कुरियर वाला बंदा एक बैग देता है, जिसमें एक मास्क होता है। स्कॉट मास्क पहनकर बैग में सारे पैसे को बीच रास्ते में निकाल देता है और उन्हें सबके सामने जला भी देता है।
सब लोग स्कॉट की जलते हुए नोटों के साथ फोटो लेने लगते हैं। दरअसल डार्लिन ये सब देख रही होती है और ये देखकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल स्कॉट पैसे इसलिए जलाता है क्योंकि कुरियर वाले ने जो मास्क दिया था मास्क में लिखा था वियर मी देन बर्न द मनी। फिर हम एलियट को देखते हैं, उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम रे है। रे को एलियट के बारे में सब पता है कि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और रे को एलियट से कुछ कंप्यूटर का काम कराना है, पर एलियट उसे मना कर देता है। अब हम एंजेला मॉस को देखते हैं जो ई कॉर्प में पीआर मैनेजर है। उसने ये कंपनी अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए की है। फिर अगली सीन में एक बंदे को देखते हैं जो गिडियन को गोली मार देता है क्योंकि जो भी कुछ ई कॉर्प के साथ हुआ उसमें गिडियन का भी कसूर था और इसलिए रोमेरो को भी कोई मार देता है। अब डार्लिन मोबली टेरेंटोन ये सोचते हैं कि आखिर इन लोगों को मार कौन रहा है और उन्हें अब ऐसे लगने लगता है कि अगला नंबर अब उन्हीं का ही है। फिर हम रे को एक बंदे के साथ देखते हैं जिसका नाम आर्टी है। आर्टी वो बंदा है जो रे की वेबसाइट को संभाल रहा है, पर कुछ सिक्योरिटी इशू आने के कारण आर्टी उसकी वेबसाइट को फिक्स नहीं कर पा रहा। पर आर्टी कहता है हैकर्स बिटकॉइन वॉलेट को बार बार खाली कर रहे हैं और सर्वर को भी क्रैश कर दे रहे हैं। आर्टी को उन हैकर को रोकना नहीं आता, उसे बस बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी पता है, इसलिए वो रे को कहता है किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो साइट को सिक्योर लोकेशन पे माइग्रेट कर सके और हॉट और कोल्ड वॉलेट का एक सिस्टम सेटअप कर सके। दोस्तों हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट दोनों का यूज क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हॉट वॉलेट यानी कोई क्रिप्टो एक्सचेंज या कोई वेबसाइट जो आपके पब्लिक और प्राइवेट की और क्रिप्टो कॉइन्स को सिक्योरली स्टोर कर सके, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट में है इथेरियम या आर्मनी, मोबाइल वॉलेट में है एज या ट्रस्ट वॉलेट और हाइब्रिड वॉलेट में है बीटीसी पे और ब्लॉकचेन। कोल्ड वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, इसलिए वो हॉट वॉलेट के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर होता है, जैसे हार्डवेयर वॉलेट ट्रेजर सेफपाल और या फिर पेपर। फिर अगले सीन में एलियट को एक बहुत पुरानी बात याद आती है जब डार्लिन उसे मिलने आई थी एफ सोसाइटी के बनने से पहले। वो उसके साथ पुरानी यादें ताजा करना चाहती थी। वो लोग एक मूवी देखते हैं जिसमें एफ सोसाइटी का मास दिखाया जाता है। फिर डार्लिन एलियट से पूछती है क्या तुम्हें खाने में इंडियन फूड पसंद है। वो बताती है मैंने अपने बॉयफ्रेंड के फोन के पोस्टमैन प्रॉक्सी हैक की है जो मेरे बॉयफ्रेंड के सेल कैरियर के लिए एपीएन को सपोर्ट करता है। अब वो यूआरएल रीराइट करता है और डार्लिन के कनेक्टेड लिंक को postman.com रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब जब भी डार्लिन का बॉयफ्रेंड कुछ भी ऑर्डर करता है डार्लिन को $10 का कूपन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर डार्लिन का बॉयफ्रेंड प्रॉक्सी सर्वर यूज करता है अपने एपीएन के थ्रू। एपीएन यानी एक्सेस पॉइंट नेम। यहाँ पर जाकर प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट डालकर इंटरनेट पर एनोनिमसली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के काम किया जा सकता है। प्रॉक्सी सर्वर या तो एपीएन हो सकता है और अगर आप वाईफाई एक्सेस करते हो तो वाईफाई के एक्सेस पॉइंट में जाकर भी ये किया जा सकता है और या किसी प्रॉक्सी ऐप के थ्रू किया जा सकता है। तो डार्लिन किसी तरह से उसके बॉयफ्रेंड के प्रॉक्सी सर्वर को हैक कर लेती है जिससे उसके बॉयफ्रेंड के फोन से जाने वाली कोई भी postman.com की रिक्वेस्ट के आगे डार्लिन का अफिलिएट टैग अटैच हो जाता है। इसलिए जब भी डार्लिन का बॉयफ्रेंड कुछ भी ऑर्डर करता है तो उसकी रिक्वेस्ट में डार्लिन के अफिलिएट लिंक अटैच हो जाने से डार्लिन को $10 का कूपन मिल जाता है। फिर एलियट बताता है मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ जिसका नाम क्रिस्टा है। वो बताता है कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ उसे सिस्टम की कमियां ढूंढनी थी। मुझे उस सिस्टम को तब तक हैक करना था जब तक वो सिस्टम हैक प्रूफ ना हो जाए। वो मेमोरियल डे था, सब अपने घर जल्दी जाना चाहते थे पर मेरी वजह से कोई नहीं जा पा रहा था, इसलिए जब वो सर्वर को लॉक नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे लॉक कर दिया सर्वर रूम में और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और जब मैं उठा तो उस कमरे के सारे सर्वर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एलियट बोलता है मैंने कुछ नहीं किया था और जज ने कहा मुझे थेरेपी चाहिए एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। एंजेला अभी ऑल सेफ में जॉब लगाने की कोशिश कर रही है। फिर डार्लिन एलियट को पहली बार मिस्टर रोबोट का जैकेट और एफ सोसाइटी का मास्क पहनाती है और एलियट कहता है मुझे लगता है मुझे ऑल सेफ की जॉब ले लेनी चाहिए क्योंकि ऑल सेफ ई कॉप के सर्वर्स को मैनेज करता है और यही मौका है उनके सिस्टम में घुसकर उन्हें बर्बाद करने का, दुनिया को बदल देने का। डार्लिन को लगता है एलियट मजाक कर रहा है पर एलियट बिल्कुल सीरियस होता है इस बात पर। दरअसल वो एलियट नहीं मिस्टर रोबोट होते हैं जो उससे वो सब बुलवा रहे होते हैं। फिर हम डोमिनिक को देखते हैं जो एक एफबीआई एजेंट है जो इस हैक को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो किसी तरह से मिस्टर रोबोट की खुफिया जगह का पता लगा लेती है और वहाँ छानबीन करने लगती है। अगले सीन में हम व्हाइट रोज और फिलिप को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बात से ऐसा लगता है कि फिलिप शुरुआत से ही व्हाइट रोज के साथ था। व्हाइट रोज उसे यूएन के वोट के लिए कहती है और फिलिप उसे कुछ टाइम मांगता है। एलियट मिस्टर रोबोट से परेशान हो चुका है और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए मिस्टर रोबोट कहता है एक चेस गेम खेलते हैं, अगर वो जीता तो एलियट के पूरे दिमाग पर कंट्रोल उसका होगा
और अगर वो हारा तो वो एलियट के दिमाग का कंट्रोल छोड़ देगा और पूरा कंट्रोल एलियट को दे देगा। एलियट मान जाता है और वो दोनों चेस खेलते हैं, पर चेस का हर गेम ड्रॉ होता रहता है। वो दोनों कितना भी गेम खेल लें, सारे गेम ड्रॉ हो रहे होते हैं, क्योंकि जो एलियट मूव चलता है वो मिस्टर रोबोट को पता होती है, और मिस्टर रोबोट जो मूव चलता है वो एलियट को पता होती है, क्योंकि खेल एक ही प्लेयर खेल रहा था। और ये बात मिस्टर रोबोट को भी पता थी कि ये गेम कोई नहीं जीत सकता। मिस्टर रोबोट एलियट को बताना चाहता था कि उससे लड़ना वक्त की बर्बादी है। फिर एलियट को डार्लिन का फोन आता है और वो बताती है कि FBI वाले उसके पीछे पड़े हैं, इसके लिए उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर एलियट रे के पास जाता है और उसके साइड माइग्रेशन के लिए मान जाता है। अब एलियट रे के कंप्यूटर से FBI के सिस्टम को हैक करने के लिए एक पेलोड तैयार करता है। डार्लिन एंजेला के पास जाती है और बोलती है कि FBI एलियट के पीछे है और वो उसे जल्दी पकड़ लेंगे। डार्लिन एंजेला को बोलती है कि ऑल सेफ में वो सीढ़ी तुमने डाली थी, इसलिए डार्लिन कहती है अगर हमें FBI से बचना है तो हमें उन्हें हैक करना होगा, जिससे सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। फिर एलियट माइग्रेशन के लिए रेक के पुराने सिस्टम एडमिन RT से मिलता है, जो उसे डेटाबेस डिक्रिप्ट करके देता है। एलियट RT का काम देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अगर RT को सब कुछ पता है तो रे RT से ये सारा काम क्यों नहीं करवाता। इसलिए एलियट नोटपैड के थ्रू RT से बात करता है। वो RT से पूछता है कि ये काम तुम क्यों नहीं कर रहे। RT बोलता है ये एक टॉप वेबसाइट है और इसे रे चला रहा है। एलियट बोलता है तो उससे क्या हुआ। फिर RT एलियट को रे की वेबसाइट का एक्सेस देता है, जिससे एलियट को समझ में आ जाता है कि रे उस वेबसाइट से बहुत ही गलत काम कर रहा है, जैसे ड्रग्स, गन्स, हिटमैन को ऑनलाइन हायर करना और भी बहुत सारे बुरे काम। इसलिए RT रे की हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए रे ने एलियट को उसकी माइग्रेशन के लिए चुना है। एलियट ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो रे को रोकना चाहता है, पर मिस्टर रॉबर्ट एलियट को मना करते हैं, क्योंकि रे कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है। पर एलियट उन लोगों की मदद करना चाहता है जिन्हें रे उन वेबसाइट से सेल कर रहा है। अगले दिन रे एलियट के पास आता है और उसे उठा लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि RT ने उसे सब कुछ बता दिया है और एलियट अब सब जानता है, इसलिए वो माइग्रेशन नहीं करेगा। इसलिए रे के लोग एलियट को बहुत मारते हैं और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब मोबली एंजेला को FBI में हैक सेटअप करना सिखा रहा है। वो उसे फेम्टोसेल दिखाता है, जो एक तरह का छोटा टावर की तरह काम करता है। जब भी कोई FBI का फोन फेम्टोसेल की रेंज में आए तो एलियट का मालवेयर उनके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे डार्लिंग उन सबके मेल्स और कॉल को चेक कर सकती है। बैकअप प्लान के लिए मोबली एंजेला को एक पेनड्राइव देता है, जिसमें मिमकैट्स नाम का एक टूल है, जो सिस्टम से कनेक्ट होने के 15 सेकंड के अंदर सिस्टम के पासवर्ड को अपने में स्टोर कर लेता है। फिर एंजेला ई कॉर्प के बिल्डिंग में FBI के फ्लोर पर जाती है। वो वहां जाके फेम्टोसेल को FBI के नेटवर्क स्विच से कनेक्ट कर देती है, और ई कॉर्प की बिल्डिंग के पास डार्लिन एक रूम से सिंगल डिवाइस से फेम्टोसेल के नेटवर्क को कैप्चर करती है। पर थोड़ी देर बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर वो वापस जाकर उसे रिकनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अब वहाँ डोमिनिक भी होती है, इसलिए एंजेला वहाँ से चली जाती है। इसलिए डार्लिन एंजेला को दूसरे तरीके से वाईफाई को रिकनेक्ट करने का बताती है। वो एंजेला को फेम्टोसेल में SSH लॉगिन करने को कहती है और वहाँ से वायरलेस को रिकनेक्ट करती है। इस बीच में रे के लोग एलियट को हॉस्पिटल से उठाकर अपने साथ ले आते हैं। वहाँ एलियट मिस्टर रोबोट से फिर से टायरल के बारे में पूछता है। मिस्टर रोबोट बताता है, तुमने उसे मार दिया था स्क्रिप्ट रन करने के बाद। हमें बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और वो किसी औरत को मारने की भी बात कर रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। एलियट बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने अपने हाथ से किसी की जान ली है, जबकि टायरल को मिस्टर रोबोट ने मारा था। फिर रे एलियट को साइड माइग्रेशन के लिए कहता है और एलियट साइड माइग्रेट कर देता है। पर वो साइट को माइग्रेट करने के बाद साइट को टॉर नेटवर्क के साथ साथ दूसरे नेटवर्क पर भी ओपन कर देता है और उसकी वेबसाइट को 2-3 सर्च इंजन पर भी इंडेक्स कर देता है, जिससे FBI उसे पकड़ लेती है। फिर एलियट रे को एक और चेस गेम खेलने के लिए कहता है और रे को आइडिया लग जाता है कि एलियट ने पुलिस वालों को उसके बारे में बता दिया है। पर वो एलियट को पसंद भी करता था, इसलिए वो एलियट को जाने देता है, और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आकर रे और उसकी गैंग को पकड़ लेते हैं। फिर अगले दिन एलियट को रे के साथ में काम करने वाले लोग धमकाते हैं, क्योंकि रे के पकड़े जाने से उनका बिजनेस बंद हो गया था और उसकी भरपाई अब एलियट को करनी होगी। पर एलियट उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और कुछ दिन बाद वो लोग एलियट को मारने लगते हैं। तभी लियोन आके एलियट को बचा लेता है और कहता है ट्यूजडे को एक लेटर मिलेगा तुम्हें, और जो लिखा होगा वो करना, और व्हाइट रोज मिले तो बता देना मैंने तुम्हें बचाया था। फिर एलियट क्रिस्टा से मिलता है और हमें पता चलता है अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सब एलियट के दिमाग में एक स्टोरी थी। वो अपनी माँ के साथ नहीं रह रहा था, वो अभी भी जेल में था जहाँ क्रिस्टा उसका इलाज कर रही थी। इतने दिनों तक जो भी कैरेक्टर्स के साथ एलियट मिल रहा था वो सारे कैरेक्टर्स रियल थे, पर जो स्टोरी थी वो रियल नहीं थी, वो एलियट के दिमाग में बनी बनाई स्टोरी थी। फिर डार्लिन और मोबली FBI के कॉन्फ्रेंस कॉल को हैक कर लेते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो सभी लोगों के फोन कॉल्स को हैक कर रहा है
और एफ सोसाइटी उस कॉन्फ्रेंस कॉल को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि FBI उनके फोन टैप्स कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन के। तभी वहाँ सुजन आ जाती है, क्योंकि जो भी काम वो कर रहे थे वो सुजन के घर से ही कर रहे थे, और वो सबको देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि एफ सोसाइटी के मास्क के पीछे किन किन का चेहरा है। अब डार्लिन और उसके साथी उसका फोन और सोशल अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ऐसा कुछ मिल सके जिससे वो सुजन को ब्लैकमेल कर सके और सुजन उनके बारे में किसी को ना बताए। फिर डार्लिन सुजन के पास जाती है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना, क्योंकि सुजन वही थी जब ई कॉप को क्लीन चिट मिली थी हाईकोर्ट से टॉक्सिक वेस्ट के लिए, और सुजन ये सब देख कर वहाँ पर बहुत खुश हो रही थी। फिर वो सुजन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे सुजन की मौत हो जाती है, क्योंकि सुजन हार्ट पेशेंट थी इसलिए वो इलेक्ट्रिक शॉक को वो झेल नहीं पाती और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब FBI मुंबली को पकड़ लेती है पर वो उसे कुछ पता नहीं लगा पाती क्योंकि उनके पास मुंबली के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं होता। फिर हम उस टाइम में इलियट को देखते हैं जब FBI ने उसे अरेस्ट किया था हैकिंग के लिए। दरअसल हैकिंग की कंप्लेंट क्रिस्टा के बॉयफ्रेंड शैनन ने की थी, जिसका कुत्ता इलियट ने चुरा लिया था, और साथ में ही उसने उसके ईमेल अकाउंट और बैंक अकाउंट को भी हैक कर लिया था। जेल में एलियट का वकील उससे बोलता है, जब जज तुमसे पूछेगा कि तुम गिल्टी हो या नहीं तो तुम्हें कहना है कि तुम गिल्टी नहीं हो, पर एलियट जज के सामने ऐसा कुछ नहीं कहता और उसे जेल हो जाती है। फिर एलियट को वहाँ रे दिखता है जो वहाँ वार्डन है, और पुलिस वाला जो एलियट को साथ ले जाता है वो रे का साथी होता है जिसे एलियट ने अपनी इमेजिनेशन में देखा था, और उसे वहाँ लियोन और वो सब लोग भी मिलते हैं जिन्हें एलियट ने अपनी इमेजिनेशन में देखा था। कुछ दिनों के बाद एलियट रिहा हो जाता है और बाहर उसे डार्लिन मिलती है। अब एलियट डार्लिन और उनके साथी डार्क आर्मी से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ई कॉर्प के सर्वर हैक करने के बाद से डार्क आर्मी का कनेक्शन एलियट से कट गया है। एलियट पॉन फोन का यूज करता है। दोस्तों पॉन फोन एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग फोन है जिसका यूज सिस्टम और फोन को हैक करने के लिए किया जाता है। अब इसे मोबाइल फोन का काले लिनक्स भी कहा जा सकता है, जिसमें 103 नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स से लेकर हैकिंग टूल्स अवेलेबल रहते हैं। इलियट शॉन का मोबाइल हैक करना चाहता है क्योंकि शॉन डार्क आर्मी के लीडर व्हाइट रोज के साथ काम करता है। शॉन और उसके लोग फेमटो सेल पे एक्सेस चाहते हैं जिसे एंजेला ने FBI की बिल्डिंग पे लगाया था। इलियट शॉन के फोन को हैक करके उसके फोन का माइक ऑन कर देता है जिससे वो लोग डार्क आर्मी की सारी बातें सुन सकते हैं, पर इलियट शॉन से खुद मिलकर स्टेज 2 के बारे में पूछना चाहता है और इलियट को यकीन है वो उसके बारे में उसे जरूर बताएगा। डार्लिन शॉन की बातें सुन रही होती है जिसमें वो बताता है इलियट उसके पास आया था जहां वो स्टेज 2 के बारे में पूछ रहा था, जबकि स्टेज 2 तो उसी का ही प्लान है। फिर जोना इलियट से मिलती है और वो बताती है उसे एक फोन नंबर से कॉल आता है और उसे लगता है वो टायरल है। जोना इलियट से चाहती है कि वो उसे किसी तरह से उस लोकेशन का पता दे पाए ताकि वो टायरल से मिल पाए। इलियट अपने दिमाग में सोच के बोलता है कि टायरल तो मर चुका है तो फिर ये कॉल कौन कर रहा है, इसलिए इलियट नकली पुलिस वाला बनकर फोन की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। इसी बीच डोमिनिक किसी तरह से सिस्को के घर का पता लगा लेती है और कुछ ही टाइम में सिस्को और डार्लिन तक पहुंच जाती है, पर तभी दो लोग एक बाइक पर आकर उन पर फायर करते हैं जिसमें से एक को डोमिनिक मार देती है। इसी फायरिंग में सिस्को मारा जाता है। फिर हम एंजेला को देखते हैं जहां उसे व्हाइट रोज अपने पास ले आती है। वो उसे ई कॉप के प्लांट में हुई केमिकल रिएक्शन की वजह को पता लगाने के लिए कहती है, जिससे एलियट के पिता और एंजेला की माँ की मौत हुई थी। फिर हम मिस्टर रॉबर्ट को देखते हैं जिनके पास एक साइफर मैसेज होता है जिससे एलियट को देख के लगता है कि कोई उसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। उसे डिकोड करने पर पता चलता है कि वो एक फोन नंबर है। उस फोन नंबर पे कॉल करने पर एक आदमी बोलता है बाहर एक कैब दिखेगी उसमें बैठ जाना। एलियट गाड़ी में बैठ जाता है और उसे वहां टायरल मिलता है। एलियट को विश्वास नहीं होता कि टायरल अभी भी जिंदा है, क्योंकि मिस्टर रॉबर्ट ने तो बताया था उसे कि टायरल मर चुका है। टायरल उसे अपनी जगह ले जाता है और उसे बताता है ई कॉर्प पहले हैक से अभी तक सर्वाइव इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उनके पास ऑफलाइन डेटा अभी भी है, यानी सारा डेटा अभी भी उनके पास पेपर में है। अब ई कॉर्प डेटाबेस को फिर से रीबिल्ड करने के लिए दुनिया भर से सारे रिकॉर्ड पेपर को एक जगह लेकर आ रहा है, और उनका प्लान है एलियट के मालवेयर से उस बिल्डिंग को तबाह कर देना जिससे ई कॉर्प पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर एलियट ये सब नहीं जानता था, बिल्डिंग के तबाह होने से उसमें काम करने वाले लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो उस मालवेयर को डिलीट करने की कोशिश करता है, पर टायरल उसे रोकने की कोशिश करता है और एलियट नहीं मानता, इसलिए मजबूरी में टायरल एलियट को गोली मार देता है। और यहाँ हो जाता है सीजन 2 का दी एंड। तो दोस्तों जरूर बताइएगा ये सीजन आपको कैसा लगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे मिस्टर रोबोट के थर्ड सीजन में।